वीडियो आई एम गोना बी शो यू कि बीट रूट से फैब्रिक डाई हो सकता है क्या। तो ये एक क्वेश्चन है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर फैब्रिक डाई होता है तो आई विल शो यू। मैंने टर्मरिक का दिखाया था क्योंकि दैट टाइम आई एम 100% श्योर अबाउट इट, तो मैंने इसलिए टर्मरिक का दिखाया था। पर बीट रूट का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, पानी थोड़ा गर्म करेंगे, उसमें नमक डालेंगे ताकि कलर को पक्का होने दें। और यहाँ पे कपड़े के अकॉर्डिंग आप बीट रूट लेंगे, चुकंदर भी जैसे कि जानते हैं, तो फैब्रिक के अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि आपका जितना कपड़ा है तो आपको उतना वेजिटेबल्स चाहिए या जिस भी चीज़ से आप डाई कर रहे हैं आपको वो चाहिए। तो ये बीट रूट का है तो मैं इसमें बीट रूट यूज़ कर रही हूँ। मैं 2 बड़े साइज़ का बीट रूट लेकर आई। अब उसको एकदम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे जितना छोटा हो सके, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कलर देगा या नहीं, तो इसका रिज़ल्ट एंड में पता चलेगा। तो मेक श्योर कि आप एंड तक पूरी वीडियो देखें ताकि आपका कपड़ा वेस्ट ना हो। अगर आप भी सोच रहे हैं बीट रूट से थोड़ा सा कलर लेने के लिए कि ठीक है अपना वाइट फैब्रिक डाई हो जाएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अभी हम इसको एकदम छोटा छोटा करेंगे, क्योंकि जब हम डालेंगे तो या तो आप इसको पूरा घिस लें, एकदम छोटा सा छोटा जितना छोटा टुकड़ा आप कर सके इसका उतना ही छोटा करना है। और जैसे ही हमने टर्मरिक वाला मेथड फॉलो किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पानी लेंगे एक, उसको रखेंगे, गर्म करेंगे, उसमें नमक डालेंगे या आप विनेगर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वाइट विनेगर है तो विनेगर भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ कलर को पक्का करने के लिए होता है, क्योंकि हम होममेड चीज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम दूसरा लिक्विड नहीं खरीदेंगे, तो हम सिर्फ किचन स्टफ यूज़ करेंगे। अभी क्योंकि मैंने इसमें जब मैंने भी इसके ऊपर सर्च किया तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे अच्छे कलर दिख रहे थे, रोज़ पिंक, हल्का सा पीची कलर आ रहा है किसी का, थोड़ा सा एकदम बेबी पिंक टाइप का शेड आ रहा था, तो वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसलिए मैंने अपना एक फैब्रिक डाई करने का सोचा था, तो इसलिए मैं इस वीडियो को शो कर रही हूँ। इस वीडियो को इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया है कि अगर होता है तो आप लोगों को भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब इसमें तो अब थोड़ा सा कलर डालेंगे इसमें। अब अपना जितना भी बीट रूट है मैंने इसको एक उसमें पी छोटा छोटा कर दिया चॉपर में डाल के, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसलिए मैंने अब इसको उसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा शीर होने देंगे, मतलब कि अगर आपको नेचुरल डाई का एक मेथड होता है कि अगर आपको जितना डार्क कलर चाहिए, जितना वाइब्रेंट कलर चाहिए, तो आपको अपने जो भी आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स या टर्मरिक उनको आपको थोड़ा गैस पे करना पड़ता है, मतलब थोड़ा शीर करना पड़ता है काफ़ी देर तक, थोड़ा सा जलाना टाइप का, समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, वैसा करना पड़ता है ताकि आपको एकदम रिच टाइप ऑफ कलर मिले। तो मैं ये ज़्यादा नहीं डाला बीट रूट, क्योंकि मैं एकदम हल्का सा पीची काइंड ऑफ शेड चाहिए मुझे अपने फैब्रिक के लिए। तो अब इसको अच्छे से हम शीर करेंगे, घुमाएंगे फैब्रिक हम थोड़ा सा, जब ये एकदम बॉयल्ड सा हो जाए, काफ़ी इसमें से बड़े बड़े बबल्स आने लग जाएँ, तब तक हम इसको घुमाएंगे अच्छे से। और उसके बाद जब, और हाँ, मेरे उस फैब्रिक को अब हम इसमें फैब्रिक डालेंगे। मेक श्योर कि आपका फैब्रिक बिल्कुल कहीं पे भी उलझा उलझा ना हो, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। मैंने इसमें छोटे छोटे नॉट बनाए, क्योंकि अगर ये कलर देता तो कलर देगा, अगर ये कलर देगा तो मैं उसको यूज़ करूँगी अपने किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे नॉट बना के थोड़ा सा अपना क्रिएटिव दिमाग चलाने की पूरी कोशिश की है, पर वो एंड में फेल हो जाता है। तो आप दिख रहे हो चुकंदर का पूरा कलर निकल चुका है, वो चुकंदर अब एकदम फीका हो चुका है बीट रूट। अभी इसको अच्छे से डिप करेंगे, जितना हो फैब्रिक को डिप। अगर आपको लगे कि आपके में आपने इसमें पानी कम यूज़ किया है या कुछ भी, तो आप एक्स्ट्रा बॉइल करके इसमें पानी डालें, क्योंकि अभी आप इस आधा प्रोसेस हो चुका है, अगर इसमें आप पानी डालेंगे तो वो इतनी जल्दी बॉइल नहीं होगा और थोड़ा सा एकदम बहुत ही सेपरेशन आ जाएगा आपके इस प्रोजेक्ट में। तो बॉईल करके ही पानी डालें अगर आपको ऐड करना है तो। अब इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके घुमा फिरा के अच्छे से इसको, ताकि जितना भी कलर है वो पूरे पे सेपरेशन हो जाए। अभी इसमें आपको एकदम पीची सा लुक दिख रहा होगा, एकदम पीची काइंड ऑफ शेड आया है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दैट टाइम आई वॉज़ टू एक्साइटेड कि ठीक है काफ़ी पीची काइंड ऑफ शेड मिल गया मुझे,
तो अभी मैं इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही गैस पे ही छोड़ दूंगी ताकि इसमें घुमाते रहें। और हाँ, एक क्वेश्चन है मेरे को, अपने एक जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया जिसमें मैंने टर्मरिक से डाई किया था, उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या कलर नहीं होता। गाइस, अब बिल्कुल कलर नहीं उतरता इसके बाद, जब आप इसे ठंडे पानी में धो के निकाल देते हैं तो ये जब एकदम कम्प्लीटली ड्राई हो जाए आपका फैब्रिक, तो उसको दोबारा आपको नमक पानी में, बॉयल नमक बॉयल सॉरी गर्म नमक पानी में उसको, कपड़े को आपको एक बार दोबारा निकालना पड़ता है। ये एक इससे आपका जितना उस टाइम पे कलर निकलना होगा वो उसी टाइम पे निकल जाएगा, क्योंकि मैंने जो बनाया था उसके बाद मैंने उसका कभी कलर नहीं देखा निकलते हुए। एंड तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब एकदम ठंडा पानी लेंगे, आपको दिख रहा है आइस क्यूब डाला है मैंने, एकदम ठंडा पानी। अब यहाँ पे मेरी सारी एक्सपेक्टेशन एकदम ख़त्म हो गई। आपने देखा होगा वीडियो में ये कितना, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कितना पीची और काइंड ऑफ रिच शेड दिख रहा था, अभी देखिए ये पूरा का पूरा वाइट हो गया है। अब मैं इसको धोने के बाद सुखा दूंगी, तब मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए एकदम ऑफ वाइट शेड हो गया है। और मैंने सोचा था बीट रूट से काफ़ी पीची और रोज़ पिंक काइंड ऑफ शेड आएगा, पर ये मेरा पूरा फैब्रिक वाइट से सिर्फ ऑफ वाइट हो गया। अगर आपको ऑफ वाइट कलर चाहिए तो यू कैन गो विद दिस प्रोसेस, पर ये बस एक वेस्ट ऑफ द टाइम, वेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, और बीट रूट से बिल्कुल कलर नहीं होता है, तो ये एक मिथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।